यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा शनिवार को शुरू हो गई है। इस परीक्षा के लिए प्रदेश भर में कई सेंटर बनाए गए हैं। इस बीच खबर है कि यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा में सेंधमारी की कोशिश की गई। हालांकि प्रशासन इस परीक्षा के लिए सतर्क था, जिसकी वजह से पुलिस के हत्थे कई सॉल्वर चढ़े। यूपी पुलिस की माने तो उन्होंने 15, 16 और 17 फरवरी के दौरान कुल 155 मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार किया या हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक परीक्षा को सफल बनाने के लिए पुलिस और एसटीएफ की टीम संयुक्त रूप से अभियान चला रही थी। इस अभियान के तहत 155 लोग पकड़े गए। पुलिस ने शिकंजा कसते हुए पूरे यूपी में 58 सॉल्वर गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने प्रयागराज से 5 सॉल्वर गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने 4 अभ्यर्थियों को भी पकड़ा है। इसके साथ ही यूपी के अलग अलग जिले में पुलिस सॉल्वर गैंग पर शिकंजा कस रही है। पुलिस ने सबसे ज्यादा आगरा के कोतवाली नगर थाना से 15 सॉल्वर गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गाजीपुर से 8, मऊ से 6, लखनऊ कानपुर से 4, लखनऊ प्रयागराज से 6, हाथरस से 3, जौनपुर से 5, फिरोजाबाद से 4, झांसी से 2 सॉल्वर गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे ही अलग अलग जिलों से पुलिस ने 155 मुन्ना भाइयों को दबोचा है। पुलिस की माने तो पहले दिन परीक्षा में गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं मिली। शनिवार को दोनों पालियों की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से निपटी। आज भी परीक्षा 2 पालियों में ही होगी। पहले दिन परीक्षा में सख्ती इतनी ज्यादा रही कि विवाहित महिलाओं को मंगलसूत्र और कलाई का धागा तक उतारना पड़ा। आपको बता दें, परीक्षा में कुल 48,17,441 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें 15,48,969 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। इस परीक्षा में यूपी के अतिरिक्त अन्य राज्यों से 6 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिसमें बिहार के 2,67,305 अभ्यर्थी, हरियाणा के 74,769 अभ्यर्थी, झारखंड के 17,112 अभ्यर्थी, मध्य प्रदेश के 98,400 अभ्यर्थी, दिल्ली के 42,259 अभ्यर्थी, राजस्थान के 97,277 अभ्यर्थी, उत्तराखंड के 14,627 अभ्यर्थी, पश्चिम बंगाल के 5,512 अभ्यर्थी, महाराष्ट्र के 3,151 अभ्यर्थी और पंजाब के 3,404 अभ्यर्थी शामिल हैं।